रामदास अठावले ने काशी में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब 4 जून के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी सत्ता आएगी तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके हमारा होगा। चुनावी वक्त में पीओके का मसला उठाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद पीओके को हमारे हवाले कर दे वरना हमें उसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी। यहां तक कि उन्होंने राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल की ओर से की गई टिप्पणी का भी समर्थन किया और कहा कि कुछ गुंडे लोगों को भी वोट मिलता है और ऐसे में कई लोग चुनकर आते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जब हमारी सत्ता आएगी तो पीओके हमारा होगा, हम एक एक प्लानिंग के से काम करेंगे और स्वतः पाक अधिकृत कश्मीर हमारे पास आएगा। वहाँ के लोग खुद पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान को चुपचाप पाक अधिकृत कश्मीर को हमारे हवाले कर देना चाहिए। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता है तो हमें उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। वहीं नाना पटोले द्वारा योगी आदित्यनाथ को रावण बोलने जाने पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ इसलिए योगी पर आरोप लगा रही है कि वो रावण है, उनको लगता है कि वो रावण है, अगर उनको बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी की लंका जलाने का काम भी वही करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, उनकी इमेज बहुत अच्छी है, यूपी का गुंडा राज खत्म कर दिया, शायद यही वजह है कि गुंडों को खत्म करने के कारण विपक्ष के लोग उनको रावण बोल रहे हैं। राहुल गांधी के खटाखट बयान पर अठावले ने कहा कि लोग फटाफट मोदी को वोट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी शिवपाल यादव का मंच गिरा है, 4 जून को ये गिर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान पर भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजा भैया का बैकग्राउंड पूरा यूपी जानता है और कुछ गुंडे लोगों को भी वोट मिलता है, ये लोगों को डरा कर गुमराह कर वोट लेते हैं, ऐसे में कई लोग चुनकर भी आते हैं, वोट लेने से कोई राजा नहीं बनता, नाम का राजा हो सकता है। अनुप्रिया पटेल जी ने जो बोला है वो सही है।